अथर्ववेद राजा और राजा के बनाने वाले ऋषि ही अथर्वा देवता सोमह यह पर्णमणि बल बढ़ाने वाला अपने बल से शत्रुओं का नाश करने वाला देवों का शक्ति रूप और औषधियों के रस से बनने वाला है। यह मुझे अपने तेज से युक्त करे, इससे मुझ में छात्र तेज और ऐश्वर्य बढ़े और मैं राष्ट्र का हित साधन करने वाला अर्थात राष्ट्र का निज संबंधी बनकर रहूंगा। जिस मणि को देवों ने वनस्पति से बनाकर धारण किया था, उस मणि को देव हमें आयु और पुष्टि की वृद्धि के लिए देवे। यह वनस्पति से बना हुआ वरुण ने सुसंस्कार युक्त किया हुआ और इंद्र ने हमें पहले दिया हुआ वीर्य और बल की वृद्धि करने वाला मणि है। उस मणि को मैं 100 वर्ष की दीर्घ आयु के लिए प्रेम पूर्वक धारण करता हूँ। यह मणि मेरे शरीर पर धारण करने से मेरा सुख बढ़ावे और इससे मैं श्रेष्ठ मन वाले और ज्ञानी पुरुष से भी अधिक श्रेष्ठ हो जाऊं। जो बुद्धिमान रथकार और कुशल लोहार हैं, वे सब मेरे पास उपस्थित हों। जो सरदार और राजा का चुनाव करके राजा को बनाने वाले हैं और जो सूत और ग्राम के नेता हैं, वे सब मेरे चारों ओर उपस्थित हों। पर्णमणि यह मणि उत्तम शरीर रक्षक है और वीरता का उत्साह बढ़ाने वाला है। इसको मैं 1 वर्ष पर्यंत स्थिर रहने वाले तेज के साथ धारण करता हूँ। पर्णमणि इस सूक्त में पर्णमणि के धारण की उल्लेख है। अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 4 में जंगिण मणि का वर्णन है। उस प्रसंग में मणि धारक के विषय में जो लेख लिखा है, वह पाठक यहाँ भी देखें। यह पर्णमणि इसीलिए कहा जाता है कि यह औषधियों के स्वर रस से बनाया होता है। देखिए, पहली पर्णमणि औषधिनाम पयः, दूसरी पर्ण अर्थात पर्णमणि सौमस्या उग्रसः, 3 देवः पर्ण मणि वनस्पतो निदधु। पहली पर्णमणि औषधियों का दूध ही है। यह पर्णमणि सोमवल्ली का उग्र बल है। देवों ने पर्णमणि को वनस्पति में रखा है। ये इसके वर्णन स्पष्टता से बता रही हैं कि यह मणि वनस्पतियों के दुग्ध से बनाया जाता है। पर्णमणि यह शब्द भी स्वयं अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है कि यह पर्ण पत्तों का मणि है, अर्थात वनस्पति के पत्तों के रस से बना है। इसके धारण से वनस्पति रस के वीर्य के कारण शरीर पर बड़ा भारी प्रभाव होता है। इस विषय में देखिए, पहली अयम पर्णमणि ही बलि, सूक्त 5 मंत्र 1, 2 पर्ण तनुपान, सूक्त 5 मंत्र 8, 3 बलेन सप्तानान प्रमर्णन, सूक्त 5 मंत्र 1, 4 देवानान ओजह मा वर्चसह जिन्वतुहु, सूक्त 5 मंत्र 1, 5 मई क्षत्रम मई रईम धार्यतात, सूक्त 5 मंत्र 2, 6 आयुष्य भर्तवे चतम असंभयम ददतु, सूक्त 5 मंत्र 3, 7 पर्ण उग्रह सह दीर्घायुत्वाय शतशारदाय, सूक्त 5 मंत्र 5, 8 पर्णमणि अरिष्टताय मा आरुक्षत, सूक्त 5 मंत्र 5। पहली यह पर्णमणि बल बढ़ाने वाला, 2 यह तनुपान शरीर का रक्षक है, 3 यह अपने बल से रोग रूपी शत्रुओं का नाश करता है, 4 यह देवानाम इंद्रियों का बल बढ़ाने वाला है, यह मेरा तेज बढ़ावे, 5 यह मुझ में छात्र तेज और शरीर की कांति बढ़ावे, 6 दीर्घ आयुष्य और शरीर की पुष्टि इससे बढ़े, 7 यह मणि बड़ा बल बढ़ाने वाला है, इससे 100 वर्ष की दीर्घायु मुझे प्राप्त हो, 8 यह मणि शरीर पर धारण करने पर मेरी शक्ति बढ़ावे। इस प्रकार के वर्णन बता रही हैं कि इन पर्णमणि के अंदर बड़ा प्रभाव है और इसके शरीर पर धारण करने से शरीर में नित्य उत्साह रहता है, बल के कार्य करने के योग्य शरीर की शक्ति रहती है, शरीर का तेज बढ़ता है और मनुष्य बड़ा तेजस्वी होने के कारण प्रभावशाली दिखाई देता है। यह वनस्पति के रसों का प्रभाव है। वैद्य लोग इस मणि की खोज करें। राष्ट्र का निज बनना,
राष्ट्र का निज बनकर रहने का उपदेश इस सूक्त में विशेष मनन करने योग्य है। जो लोग राष्ट्र में रहें वे निज बनकर रहेंगे तो ही राष्ट्र का भला हो सकता है। इस विषय में द्वितीय मंत्र मनन करने योग्य है। अहम राष्ट्रस्य अभिवर्गे निजो भूया समुतमः। मैं इस राष्ट्र के हित चिंतक वर्ग में उत्तम निज बनकर रहूंगा। यहाँ राजा राजपुरुष अधिकारी वर्ग आदि सब राष्ट्र के निज बनकर रहें, यह उपदेश स्पष्ट है। राष्ट्र में रहता हुआ कोई मनुष्य राष्ट्र के लिए पराया बनकर ना रहे, यह निज बनकर रहने का भाव क्या है और पराया बनकर रहने का भाव क्या है, यह अवश्य देखना चाहिए। अपने यहाँ का ही उदाहरण लीजिए। इस भारतवर्ष में जापानी, चीनी, अमेरिकन और यूरोपियन आते हैं और रहते भी हैं, परंतु इनमें से कोई भी भारतवर्ष का निज बनकर नहीं रहता। जो ये आते हैं वे ऊपरी बनकर आते हैं, ऊपरी बनकर यहाँ रहते हैं, ऊपरी बनकर यहाँ का कारोबार करते हैं और पश्चात चले जाते हैं। इस कारण इनके ऊपरी भाव से भारतवर्ष का अहित ही होता है। इसीलिए ऊपरी भाव से रहना राष्ट्र के लिए घातक है। जो निज भाव से रहेंगे राष्ट्र का जो हित और अहित है वह अपना हित और अहित है, इस दृष्टि से व्यवहार करेंगे उनसे राष्ट्र का अहित नहीं होगा। यह तो साधारण मनुष्यों की बात हो गई है, परंतु जो राष्ट्र के कर्मचारी हैं यदि वे ऊपरी या पराये भाव से राष्ट्र में रहने लगे तो राष्ट्र का नुकसान कितना होगा इसका हिसाब लगाना कठिन है। इस दृष्टि से पाठक देखें कि राष्ट्र का निज बनकर रहने का भाव कितना उच्च है और राष्ट्रहित की दृष्टि से कितना आवश्यक है। निज भाव से रहने के कारण विदेशी लोग भी स्वदेशी के समान राष्ट्रहित करने वाले बनेंगे और निज भाव न रखने वाले स्वदेशी लोग भी परदेशी लोगों के समान राष्ट्रहित का घात करने वाले बनेंगे। यहाँ पाठक राष्ट्र का निज बनकर रहने का कितना महत्व है यह देखें और अपने राष्ट्र के निज बनकर रहें। राजा को निर्माण करने वाले इस सूक्त के सप्तम मंत्र में राजकृतः शब्द है। इसका अर्थ राजा को निर्माण करने वाले किंग्स मेकर है। राजा को किस रीति से निर्माण करते हैं यह प्रा यहाँ उत्पन्न हो सकता है। इसी की उत्तर इसके पूर्व के चतुर्थ सूक्त ने ही दिया है। राजा का चुनाव प्रजा द्वारा होता है और राजगद्दी पर आता है। किसी की प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन, राजा का स्वीकार, राजा का नियोजन अथवा राजा का चुनाव कहते हैं। जिसका चुनाव प्रजा करती है उसका मानो निर्माण ही प्रजा करती है। इस प्रकार राजा के पितृ या मातृ स्थान में प्रजा होती है, इसीलिए राज्यसभा के सदस्य राजा के पितृ हैं। ऐसा वेद में ही अन्यत्र कहा है। देखो अथर्व कांड 5 सूक्त 12 मंत्र 1-2। प्रजा के जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग हैं वे राजा का चुनाव करते हैं और उसको निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रजा की रक्षा करना राजा का परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। मात्र रक्षा के समान ही प्रजा रक्षा का यह राजधर्म है। मंत्र 6 और 7 में कहा है कि रथकार, सुतार, लुहार, ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सूत, ग्राम नेता, सरदार तथा राजा का चुनाव करने वाले ये सब लोग राजा के पास रहें, राजा के अनुगामी बने, राजा के साथ रहकर राजा को योग्य सलाह दें। इस प्रकार राज्य का शासन प्रजा के द्वारा नियुक्त किए राजपुरुषों द्वारा प्रजा के हित के लिए प्रजा की अनुमति से चलाया जावे, इसी से राष्ट्र का सच्चा हित हो सकता है। यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः पर्ण मणि का वर्णन करता है, तथापि प्रसंग से राष्ट्र का निज बनकर रहना, राजा का चुनाव प्रजा द्वारा करना इत्यादि महत्वपूर्ण बातों का उपदेश होने के लिए वैदिक राजनीति शास्त्र की दृष्टि से यह सूक्त बड़े महत्वपूर्ण आदेश दे रहा है। इसीलिए पाठक कभी इस दृष्टि से इस सूक्त का मनन करें। यह संपूर्ण अनुवाक राज प्रकरण का ही उपदेश देता है। यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त होता है।